शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग जब से रिलीज हुआ है, दीपिका की भगवा कलर की बिकिनी पर बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि दीपिका ने पवित्र रंग भगवा का अपमान किया है और अब लोग इस फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब पठान का विरोध हॉलीवुड तक पहुंच गया है। दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट, जिन्हें वंडर वुमन के रोल के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में गैल गैडोट ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनकर बोल्ड पोज दिया था। बस फिर क्या था, लोगों को मौका मिल गया और वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। कोई कह रहा है कि आप हमारे भगवा रंग का मजाक उड़ा रही हो, तो कोई उन्हें बॉयकॉट की धमकी दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, Why are you making fun of my भगवा कलर क्यूटी? वहीं एक और यूजर ने लिखा, Boycott Gal Gadot, she is wearing saffron color clothes. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, टाइमिंग सही नहीं लग रहा, वंडर वुमन का बॉयकॉट। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भगवा पहना और इसने तो नेपो किट के साथ भी काम किया, आलिया भट्ट। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा है, Why spreading anti हिंदू propaganda? Shame on you. Will boycott your next movie. तो देखा आपने, लोग किस कदर गैल गैडोट को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि गैल गैडोट की ये फोटो ऐसे टाइम में सामने आई है जब देश में शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान भगवा रंग की वजह से निशाने पर आई हुई है। बता दें कि गैल गैडोट के साथ हाल ही में आलिया भट्ट ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में काम किया है। यही वजह है कि लोग पठान के चलते हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट को ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म पठान की बात करें तो ये 25 जनवरी को रिलीज होगी। इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदार में हैं। हाल ही में फिल्म के पहले गाने बेशर्म रंग को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है और इस बिकिनी को लेकर ही विवाद चल रहा है। कुछ नेता और संगठन इस गाने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो फिल्म को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि फिल्म तय समय पर रिलीज हो पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। सिनेमा एंड इन फैक्ट द एडवेंट ऑफ आर्टिकुलेशन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव नाउ बिकम द फॉरमोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशन। द कलेक्टिव नैरेटिव ऑफ अ टाइम्स इज शेप्ड बाय सोशल मीडिया। And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day. Not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIFF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema. कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले। मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं।